ओपोजिट्स यानी विलोम शब्द की तरफ हम चलते हैं। यानी विपरीतार्थक शब्द जो है वो विलोम शब्द कहलाते हैं। जैसे MORAL मोरल, मोरल माने नैतिक, मोरल माने क्या होता है नैतिक। इसका विलोम शब्द बनाना हो तो क्या हो जाएगा इमोरल, क्या आ गया इमोरल। देखो मोरल के साथ IM जोड़ा है, मोरल इमोरल आ गया, इमोरल लगा दिया हमने देखो इसमें, तो ये ओपोजिट बन गया मोरल का, नैतिक का अनैतिक बन गया इमोरल, मोरल का इमोरल। वैसे ही पॉसिबल आए, संभव है, तो असंभव के लिए किसका प्रयोग होता है इम लगा दो, इम्पॉसिबल, इसमें भी इम लगा दिया तो संभव का असंभव हो गया, पॉसिबल का इम्पॉसिबल हो गया, पॉसिबल का इम्पॉसिबल हो गया। बस ये सरल है, ध्यान रखने की आवश्यकता है। आगे देखें तो डायरेक्ट है, मान लो सीधा जिसे हम कहते हैं, इसका ऑपोजिट बनाना है तो इन लगा देते हैं, इनडायरेक्ट, डायरेक्ट का क्या लगा दिया इनडायरेक्ट, डायरेक्ट का क्या लगा दिया इनडायरेक्ट लगा दिया, डायरेक्ट है तो क्या लग जाएगा इनडायरेक्ट। कंप्लीट है, मान लो हम कहते हैं पूरा है, कोई काम पूरा है, अधूरा है तो हम कहते हैं इनकम्प्लीट, क्या लगा दिया इसमें इन लगा दिया, तो कंप्लीट का क्या हो गया इनकम्प्लीट, यानी पूरा है या अधूरा है। सही है, मान लो करेक्ट जिसे आप बोलते हैं, कोई काम सही है ठीक है, गलत है तो हम बोलते हैं इनकरेक्ट, INCORECT। इसमें देखो क्या लगा दिया, इसमें भी इन लगा दिया तो इनकरेक्ट आ गया, ठीक है। जैसे काइंड है, दयालु, निर्दयी है तो अन लगा देंगे तो अनकाइंड बन जाएगा, इसका ऑपोजिट बन जाएगा अनकाइंड, अन लग गया, क्या लग गया काइंड का अनकाइंड। जैसे हैप्पी है, खुश, अनहैप्पी बना दो, दुखी हो गया, नाखुश है जिसे आप अन लगा देंगे। तो ऑपोजिट्स बनाने के लिए कुछ नियमों का ध्यान रखें, जैसे लाइक है, इसका ऑपोजिट बनाना है कि पसंद है, नापसंद अगर लगाना हो तो अपने क्या लगा देते हैं डिसलाइक, लाइक का क्या हो गया डिसलाइक हो गया, लाइक है तो लाइक का ऑपोजिट बनाना है तो हम क्या बना देंगे डिसलाइक बना देंगे। ईमानदार है, ऑनेस्ट जिसे हम कहते हैं, बेईमान है तो क्या बोलते हैं डिसऑनेस्ट, क्या लगा दिया डिसलाइक। तो मोरल नैतिक का नैतिक, इमोरल हो गया, पॉसिबल का इम्पॉसिबल, असंभव हो गया, डायरेक्ट का हो गया इनडायरेक्ट, कंप्लीट का इनकम्प्लीट, अधूरा हो गया, करेक्ट ठीक इनकरेक्ट माने गलत हो गया, काइंड का अनकाइंड, निर्दयी हो गया, हैप्पी का अनहैप्पी, दुखी हो गया, लाइक का डिसलाइक, पसंद नहीं करना, और ईमानदार का बेईमान, डिसऑनेस्ट हो गया। तो ये ओपोजिट्स हैं जो याद करने लायक हैं, जो आप इसके माध्यम से आप बता सकते हैं कि ओपोजिट्स को कैसे लिखा जाता है।